नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, अगर आप लोग भी पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भरे थे तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आ चुका है। दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना का आप लोग का सर्टिफिकेट जो है और आईडी कार्ड जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, और साथ में जो आप लोग का टूल किट के लिए 15,000 रुपया है वो भी आना शुरू हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार से आप लोग को चेक करना है कि आपका सर्टिफिकेट आया है या फिर नहीं आया है, आप लोग का पेमेंट जो आने वाला है वो किस प्रकार से आप लोग का पेमेंट आने वाला है, उनके लिए ऑफिशियल सूचना जो है वो जारी हो चुका है। आज के इस वीडियो आप लोग को हम बताने वाले हैं। आप लोग जो अपना खुद से विदाउट सीएस यानी कि सीएससी आईडी पासवर्ड का आपको कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला है, आप खुद से अपने मोबाइल फोन से लॉग इन करके अपना सर्टिफिकेट और अपना आईडी कार्ड को डाउनलोड किस प्रकार से करेंगे आज के इस वीडियो आप लोग को हम लाइव दिखाने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों का जो है सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं होगा, तो वो क्यों नहीं होगा वो भी रीजन जो है इसी वीडियो में आप लोग को बताएंगे। अगर नहीं हो रहा है तो वो कैसे होगा वो भी बताएंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलता आपको हम पीसी स्क्रीन पर और वहां पर आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बताते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना होगा पीएम विश्वकर्मा के ऑफिशियल वेबसाइट पर। कैसे आना है आप लोग को पता होगा। आप मोबाइल फोन से भी कर रहे हैं तो प्रोसेस बिल्कुल ही सेम रहने वाला है। अगर आप मोबाइल फोन से ही करना चाहते हैं तो उस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिएगा और मोबाइल फोन से भी कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आ जाएगा पीएम विश्वकर्मा के ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आने के बाद हम दोस्तों बिना सीएससी का जो है यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि आपको सीएससी आईडी पासवर्ड का जरूरत नहीं लगने वाला है। आप बिना सीएससी आईडी और पासवर्ड का चेक कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर करना क्या है कि जैसे आप मोबाइल फोन से भी कर रहे हैं तो वहां पर आपको लिंक एडिट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ऊपर में ही लिंक शो हो रहा है। ये लिंक जो शो हो रहा है, आपको आगे में एक स्लैश लगाना है। स्लैश लगाने के बाद जो है आपको लॉग इन लिखना है, केवल यहाँ पर लॉग इन लिखना है और आपको इंटर बटन प्रेस कर देना है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर यूआरएल पर आप जो है इनको लॉग इन टाइप करके सर्च करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। कौन सा नंबर? जो नंबर से आप ऑनलाइन आवेदन किए थे उसी नंबर को आपको यहाँ पर डालना है, और इस कैप्चा को इस बॉक्स में डालेंगे। यहाँ पर लॉग इन पर आप क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है मोजिला फायरफॉक्स में ही हम काम कर रहे थे, बट यहाँ पर ओटीपी जैसे हम डाल रहे हैं ना, तो ओटीपी रॉन्ग बता रहा है, गलत ओटीपी बता रहा है। 3 बार जब आप डालोगे तो फिर आपको यहाँ पर लॉक हो जाओगे आप, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोग को भी ये प्रॉब्लम आए, तो आप लोग गूगल क्रोम से ट्राई कीजिएगा। अब कभी कभार क्या होता है कि मोजिला फायरफॉक्स में ना बढ़िया से चलता है इनका वेबसाइट, और कभी कभार गूगल क्रोम में इसका साइट जो है वो बढ़िया से चलता है। तो इनको हम छोड़ दिए थे, वीडियो को पॉज करके हम देखिए गूगल क्रोम में लॉग इन किए तो यहाँ पर लॉग इन हो गया। लॉग इन कर लिए। अब देखिए, सेम आपको उसी प्रकार से लॉग इन करना है जैसे आप यहाँ पर जो है ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डालोगे, कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करोगे ना तो लॉग इन आपका हो जाएगा। जब लॉग इन होगा तो इंटरफेस इसी प्रकार से आप लोग को दिखने लगेगा। तो अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा नीचे करेंगे आप। नीचे करने के बाद जो है यहाँ पर देखिएगा, ये चीज यहाँ पर इसका जनरेट हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। यहाँ पर क्लिक करके इसका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड कर सकते हैं, और इनका एक आईडी कार्ड भी यहाँ पर, डाउनलोड योर पीएम विश्वकर्मा आईडी कार्ड, इनका आईडी कार्ड भी जनरेट हो गया है। यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके जो है हम दोनों चीज़ इसका डाउनलोड कर सकते हैं, और आप लोगों को भी डाउनलोड करना है वो इसी प्रकार से करना है। आप डाउनलोड करने के लिए सिंपल से आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड पर आप क्लिक कर देंगे, इस प्रकार से जो है आप लोग का सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर जो आप लोग का नाम दिखाएगा, बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिखाएगा, कौन सा डेट में आप आवेदन किए थे और वो डेट आपको यहाँ पर दिखाएगा, और ट्रेड में क्या डाले थे, मतलब कौन सा बिजनेस डाले थे वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो इस प्रकार से आप लोग सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लीजिएगा। आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां पर क्लिक करिएगा डाउनलोड वाले ऑप्शन पर। इस प्रकार से जो आप लोग का आईडी कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का जो है यहां पर डाउनलोड ही नहीं होगा, तो वो रीजन क्या है वो रीजन भी आप समझ लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आवे। तो अब देखिए, जिसका भी अप्रूवल हो गया है ग्राम प्रधान के माध्यम से, उन लोगों को जो है इस प्रकार से मैसेज आया हुआ है। यहाँ पर देखिए, कह रहा है मैसेज में कि बधाई हो, पीएम विश्वकर्मा योजना में आपका सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो गया है। आपको 6 दिन का कौशल प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण से पहले, प्रशिक्षण के पहले दिन आपको 15,000 रुपया का टूल किट के लिए जो है, मतलब कह रहा है कि जो भी आप लोग का प्रशिक्षण होगा, प्रशिक्षण के पहले दिन ही आपको 15,000 रुपये का जो राशि है जो कि टूल किट के लिए आपको मिलेगा वो आपको दे दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आपको 5% पे जो है 3,00,000 रुपये तक का लोन जो है वो भी दिया जाएगा। लेकिन आप लोन लेने के लिए जब आप एग्री हो गए तभी जाकर के आपको लोन मिलेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है 1,00,000 ही लोन मिलेगा, मतलब 1,00,000 तक ही लोन मिलेगा। जब आप 1,00,000 चुका दोगे उसके बाद आपको फिर 2,00,000 दिया जाएगा। तो 1,00,000 जो दिया जाएगा वो जो उसका ब्याज होगा वो 5% होगा। 18 मंथ के लिए आपको लोन दिया जाएगा। इसका इंटरेस्ट जो होगा वो एनुअली इंटरेस्ट होगा, यानी कि सालाना ब्याज होगा इनका। तो अगर आप लोग को इस प्रकार से मैसेज आया होगा
तभी जो है आप लोग का सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड डाउनलोड होगा। अगर मैसेज नहीं आया है तो आप लोग का डाउनलोड नहीं होगा। अब मैसेज क्यों नहीं आया है वो भी हम आप लोग को बता देते हैं। अब देखिए, ये मैसेज जो है केवल उन्हीं लोगों को आया हुआ है जिनका जो है वेरिफिकेशन ग्राम प्रधान के माध्यम से हो चुका है, केवल उन्हीं को ये मैसेज आया है। अगर आप लोग को इस प्रकार का मैसेज नहीं आया है तो आप लोग का डाउनलोड सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड नहीं होगा और आप लोग को ट्रेनिंग के लिए भी कॉल नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको अपने पंचायत में मतलब जो जो भी आप लोग के पंचायत के मुखिया है या फिर सरपंच है उससे आपको संपर्क करना है और उन्हीं के माध्यम से जो अपना आवेदन को अप्रूवल करवाना है। जब आपका अप्रूवल हो जाएगा आवेदन, उनके बाद आपको कॉल आएगा और वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा कि आप पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भरे थे, आप यही बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस आप डाले हैं आपको वही बिजनेस वहां पर बतला देना है, फिर आपको वहां पर अप्रूवल आपका कर दिया जाएगा। अप्रूवल जब हो जाएगा तो फिर आपको इसी प्रकार का मैसेज जो कि आ जाएगा, जैसे मैं आपको यहां पर अभी दिखाए हैं, इस प्रकार का मैसेज जब आ जाएगा तो आप लोग जो है सर्टिफिकेट को यहां से आकर के और आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। उनके बाद आपको फिर कॉल आएगा ट्रेनिंग के लिए, तो फिर आपको ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। जैसे आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो फर्स्ट दिन ही आपको जो है आपका टूल किट का जो भी पैसा होता है 15,000 वो आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। लोग फटाफट से कर लीजिएगा। लगभग दोस्तों हमने सारा जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, जहां तक हमें पता होगा वहां तक हम आप लोग को जरूर बता देंगे। और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को करते हैं, अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच कर लिया हो तो वीडियो देखने आपका तहे तहे दिल से धन्यवाद। दोस्त मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।